या दूर जेड़े ना वो कन में पता की आते ने आते ने कि फकाल लहो असलिम ओ यहूदी दिया पुत्रा ते मेरे खिदमत करने वाले आ मेरे खादम मुसलमान हो जा। हजूर कोल बह के प्यार दिराल रहमत वाली दात आंदी है फकाल लहो असलिम मुसलमान हो जा। उन्हें अख पट्टी से अपने प्यो दे चेहरे वल वेखिया ते बाप रो के आंदा है ओ बेटा अबुल कासम मुहम्मद रसूलुल्लाह दे आखे लग जा। आमिना दलाल तेरी आदत बीमार पुरसी करने वास्ते आया आखे लग जा तेरी किस्मत जाग पई ते ओ जल्दी नाल कलमा पढ़ लैंदा यहूदी दा पुत्र जदों कलमा उन्ने पढ़ लिया ती ओदी रूह परवाद हो गई। मेरा पैगंबर उतो ही इस तरह उठया ते उठ के कलमा शहादत दी उंगली नू उठाया आख्या अलहम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अनकदहु मिनन्नार अलहम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अनकदहु मिनन्नार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अनकदहु मिनन्नार। सारिया हमदा ते तारीफा उस रब वास्ते जिन्हें इस बच्चे नू दोजख दी अग तो बचा लिया। हाय मेरे पैगंबर दे नक्शे कदम ते चलो मुसलमान बीमार हो जाए ओदी बीमार पुरसी करिया करो ओदी इयादत करिया करो बिला तफरीक पवे अमीर होवे पवे गरीब होवे ते जदो गरीब नू छड़ के ओदे दरवाजे तो गुजर के जदो तो गुजर चला जाना है रब दी सौ गरीब दा सीना फट जांदा है। अज मेरे कोल भी दौलत होंदियां कोठियां दा मालिक हुंदा अमीर हुंदा अज मेरी भी बीमार पुरसी कर दे पर गरीब नू पुछदा कोई नहीं। ओ मेरे पैगंबर दे हुक्म नू मन लो हज़ूर फरमा दे ओ आदम दिया पुत्रा मेरे उम्मती जद तू पैदल चलना है या सवारी ते चलना है ओदी बीमार पुरसी करने वास्ते जिन्ने कदम भी चलना है रब उन्हां कदमां नू नेकियां बना दिंदा है। जदों मरीज दे कोल जाके बीमार पुरसी करना ना अच्छे तरीके नाल बीमार पुरसी अदूर फरमांदे ले फी खरफतिल जन्नत हत्ता यार जिन्ना चिर आदम दा पुत्र अपने मुसलमान भाई कोल बैठा रहिंदा जन्नत दे मेवे ही खांदा रहिंदा। की करदा है जन्नत दे मेवे ही खांदा रहिंदा है ओ जन्नत दे बागा में बैठा रहिंदा है। मेरे नबी ने फरमाया बीमार कोल थोड़ा बया करो बीमार कोल थोड़ा बवो ते गल्लां एहो जी करो जिहदे नाल ओदी हौसला अफजाई होवे। अज बीमार कोल बह के बीबियां की कर दिया कल चंगा भला सी अज रंग खट्टा हो गया इहनू कैंसर हो गया बचना नहीं पता नहीं की बने ना एहो जिहा बातां नहीं करनियां बातां केहो जिहा करनियां ने। अब मेरा नबी एक बीमार कोल बैठा होया ते आदोर परमादे ने ला तहूर इंशा अल्लाह ए बीमार फिक्र दी कोई जरूरत नहीं अल्लाह तेनू शफा देवेगा। फिक्र न करें अल्लाह तेनू शफा देवेगा। ते अम्मा ऐशा अल्लाह इस बीबी दे कदमा ते चलन दी तौफीक अता फरमाए रब दी सौ ऐशा दा हुजरा मेरे नबी दे जन्नत दा टुकड़ा ऐशा मेरे नबी दी सौजा रफीका ए हयात रब दी सौ बड़ी शान वाली मेरी अम्मा जान। बयान कर दिया ने जदों कोई बीमार हो जांदा या मेरा पैगंबर खुद बीमार होंदे हदोर सज्जा हाथ ओदे जिस्म उत्ते फेर दे या अपने जिस्म उत्ते फेर दे ते सज्जा हाथ फेर के
मेरा पैगंबर किया दा अल्लाह उम्मा अज़हबिल बास रब्बनास वश्वियंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउ का शिफा अल्लाह युगादिरु सकमा। अल्लाह बीमारी नु दूर कर दे, तू शफा अता कर दे, तेरे इलावा शफा देन वाला कोई नहीं, तेरे इलावा शफा देन वाला कोई नहीं। ला शिफा इल्ला शिफाउ का शिफा अल्लाह युगादिरु सकमा। अल्लाह सोनिया रब्बा इन एहो जी कामल शफा अता फरमाए दी बीमारी बाकी न रवे। وعيادت المريض بیمار پرسی کرنا محمد دی سنت ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطشين۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرمایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلات والسلام نے حق المسلم علی المسلم خمس: مسلمان دے مسلمان تے پانچ حق: رد السلام جس وقت مسلمان بھائی کسے نو سلام آکھے او دا اگو جواب دینا، وعیادت المریض تے جد مسلمان بھائی بیمار ہو جائے او دی بیمار پرسی کرنا، واتباع الجنائز جدو مسلمان بھائی دنیا تو ٹر جائے فوت ہو جائے او دے جنازے نال جاونا، واجابت دعوت تے جدو مسلمان بھائی کسے نو دعوت دے وے او دی دعوت نو قبول کرنا، وتشمیت العاطشین جدو مسلمان بھائی نو نچھا دے چھکا او دا جواب دینا۔ محترم جس پر رحمت ارشاد نو میں اس وقت تھوڑے گوش گزار کیتا ہے، ساری کائنات سردار پیغمبر مصطفی شمس الضحا بدر الدجا والی بتہا سید الاتقیا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام دے ارشادات نو نقل فرمائے، اور جس کتاب دی اندر اے حدیث موجود ہے او حدیث دی معتبر کتاب بخاری شریف ہے، محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری دی اندر اس حدیث نو نقل فرمائے۔ برادران اسلام کے جگہ دے پیر و مرشد نے اس معاشرے دی اصلاح دے واسطے معاشرے دی اندر بھائی چارہ محبت اطمینان اور سکون دے واسطے کچھ ایسے مسائل تے اعمال بیان فرمائے کہ اگر مسلمان
नबी पाक के अरशादात की तारीफ करते हुए इस दुनिया के अंदर किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करन तो मुआशरे की इस्लाह हो सकती है, इत्मीनान सुकून ते इतमाद उसनू हासिल हो सकता है। जिस दौर विचों तुसी और मैं गुजर रहे हैं ये बहुत ही पुरफितन दौर है कि कदम कदम ते अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो रही है, बल्कि इतनी बगावत और इतनी नफरत हो चुकी है कि मुसलमान मुसलमान के खून का प्यासा बन गया है, पड़ोसी पड़ोसी के खून का प्यासा है। हसद बुगस और बेइतमादी ने इतनी फजा नू खराब कर दिता है कि अज मुसलमान परेशान और अदम सुकून का शिकार है। इस वास्ते पाकिस्तान के अखबारात के अंदर रसैल के अंदर और बहुत सारे जलसिया के अंदर इस बात पर तशवीश का अजहार किया जा रहा है कि मुसलमान का वो खून नहीं रहा, मुहब्बत जो है वह नफरत के अंदर तब्दील हो चुकी है। पड़ोसी का पड़ोसी दे नाल अच्छा सलूक नहीं, मुसलमान का मुसलमान दे नाल अच्छा सलूक नहीं, बल्कि रिश्तेदार रिश्तेदार का दुश्मन बन चुका है। ये सारिया बातें क्यों ने, इसका एक ही हल रब दे कुरान विच मौजूद है ते आमिना दे लाल दे फरमान विच मौजूद। जेड़ा रिश्ता जग्गा दे पीरो मुर्शद ने मजबूत कर दिता है ना, ओहो जिहा रिश्ता कायनात विच कोई कायद ते कोई रहनुमा मजबूत नहीं कर सकता। असी ज्यादातर यह बात समझ ली कि साडा खूनी रिश्ता है, बरादरी का रिश्ता है, लेकिन खूनी रिश्ते तो और बरादरी के रिश्ते तो जिहड़ा रिश्ता मेरे नबी ने गंढ दिता है ना, जोड़ दिता है, अगर उस रिश्ते दे उस फरमान ते अमल हो जाए तो पूरी दुनिया के मुसलमान जो है वह मुआशरे नू बेहतरीन बना सकते हैं, तो इस दुनिया के अंदर तरक्की और उरूज हासिल कर सकते हैं। अब वेख लो तिरमदी शरीफ की हदीस है, मैं नहीं कह रहा, सारी कायनात के सरदार मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, जामे फरमान है जग्गा दे पीरो मुर्शद दा, ते तवज्जो दे नाल सुन लेना, बेदारी दे नाल सुन लेना। जिंदगी का इतबार कोई नहीं कि मौत कदों आ जाए, पर इहो जे अनमोल मोती जेड़े आमिना दे लाल ने अपनी उम्मत नू दित्ते है ना, इहो जे अनमोल मोतियां दी कदर करिया करो, तुहाडी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखरत भी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने तिरमदी शरीफ विच फरमाया कि मैनू उस जात दी कसम है जिहदे कब्जे विच मुहम्मद दी जान है। मेरे नबी ने कसम खा के यह बात फरमाई, मेरे उम्मतियो मेरे सहाबा, मैनू उस रब दी कसम है, उस परवरदगार दी कसम है जिहदे कब्जे विच मुहम्मद दी जान है, जिन्ना चिर रखेगा रवेगी, जदों कढ के लै गया फातिमा रोंदी रवे उन्हें वापस नहीं कर। अदूर की फरमांदे ने लाता तो खोलुल जन्नत हत्ता तो उमिनू, आज मेरा दिल करता है मुहम्मद रसूलुल्लाह दी अरशादात सुनावा। जगह दे पीरो मुर्शद दे अनमोल मोती कलेमात ते तो ये बात थोड़े गोश गुजार करा, रब दी सौ दुनिया ते बड़े बड़े पीर आए, बड़े बड़े रहनमा आए, बड़े बड़े मुक्तदा ते पेशवा आए, पर जेड़ी शरीनी ते मिठास मेरे मुहम्मद दी जबान विच है दुनिया के किसी इंसान की जबान विच नहीं। इस वास्ते मेरे रब ने कुरान विच मेरे नबी दी जबान दा तस्करा फरमाया है, जबान तो हर इंसान नु मिली, मौलवी नु मिली, पीर नु मिली, फकीर नु मिली, मुफस्सर नु मिली, मुहद्दस नु मिली, ताबी नु मिली, सहाबी नु मिली, वली नु मिली, हर बंदे नु जबान मिली है। पर जेड़ी जबान आमिना दे लाल नु मेरे रब ने अता फरमाई है ना, उस जबान तो कुरान जावा, अल्लाह कुरान विच बयान करता है, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू यूहा।
दुनिया दे लोगों मेरा पैगंबर उस वक्त तक बोलता ही नहीं जब तक के मेरी तरफ वही ना आ जाए। मेरा पैगंबर बोलता है ते रब दे हुकम नाल बोलता है ते जेड़े कलिमात मेरे पैगंबर की जबान विचों निकल गए मेरे रब ने उस कलमे नू दीन बना दिता है। ਉਹੀ ਦੀਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਏ। ਵਕਤ ਬੜਾ ਮਹਦੂਦ ਏ, ਮਦਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਗ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਫਰਮਾ ਲੈ, ਤਿਰਮਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਏ, ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਏ, ਤੇ ਮੋਤਬਰ ਰਵਾਇਤੇ, ਸਿਕਾ ਰਵਾਇਤੇ ਤੇ ਜਾਮੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਏ ਮੇਰੇ ਉਮਤੀਓ, ਲਾ ਤਦਖੁਲੁਲ ਜੰਨਤ ਹੱਤਾ ਤੁਮਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇ ਕਾਮਿਲ ਮੂਮਿਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਤਵਜੋ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੇ, ਲਾ ਤਦਖੁਲੁਲ ਜੰਨਤ ਹੱਤਾ ਤੁਮਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਿਲ ਮੂਮਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਵਲਾ ਤੁਮਨੂੰ ਹੱਤਾ ਤਹੱਬੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਾਮਲ ਮੋਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਮੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਤੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਮਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੱਗਾ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਦੀਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹ ਅਖੂਵਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਅਖੂਵਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਪਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਡਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਰਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਫਰੀਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਸਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਰਬੀ ਹੋਵੇ, ਗੈਰ ਅਰਬੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਮੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ, ਅਤਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਆਦਮ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਮਾ ਤਈਏ ਦੀ ਸਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇਰਾ ਦੀਨੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਾਕਿਫ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆਨੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਹੱਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ। ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਵਇਆਦਤਿਲ ਮਰੀਦ। ਪੰਜਾਂ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਮਾ ਗੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੋਮਨ ਪਾਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰ ਪੁਰਸੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੁਰਸੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਾਲਦਾਰ ਆਦਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ
ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੁਰਸੀ ਕਰਾਈਏ, ਸਿਆਸੀ ਇਆਦਤ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੁਰਸੀ ਕਰਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਇਆਦਤ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੁਰਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अज मुआशरे दी अंदर खराबी पैदा हो चुकी है ना, अमीर गरीब का कोई इम्तियाज इस्लाम विच नहीं। आ मेरे पैगंबर ने जेड़ा रिश्ता जोड़ दिता है ना कि कलमे का रिश्ता है, इस्लाम ते दीन का रिश्ता है, उस वक्त तक तुसी मोमन ही नहीं जब तक के तुहाडी आपस विच मुहब्बत पैदा ना हो। हदीस नूं मैं कंगाल के देखिया ते नबी पाक का एक फरमान मैनू मिलिया, जगा दे पीरो मुर्शद एक ही कर दे हदोर दा अमल वेख लो, सारी कायनात दे सरदार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रावी बयान करता है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी दा फरमान सुन लो, जिंदगी दा इतबार कोई नहीं। रब दी सौ अपनियां झोलियां विच कुरान ते मुस्तफा दे फरमान दे कलेमात ढाल के अनमोल मोती डाल के चले जाया करो, तुहाडी किस्मत बेहतर बन जाएगी। एक यादा किस्मत वाला अंधकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन शय्य इयादत अल-मरीद। मुस्लिम का हवाला, मुस्लिम की किताब के अंदर हदीस मौजूद है कि आंदा है रावी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन शय्यन इयादत अल-मरीद। जदों कोई मुसलमान बीमार हो जाता, भावें वह गरीब होंदा ते भावें अमीर होंदा, मेरा पैगंबर पैदल चल के उहदी बीमार पुरसे ते इयादत करदा। मेरा पैगंबर उहदे घर चले जांदे, आहसन शायल अच्छी तरह उहदी इयादत करदे, उहदी बीमार पुरसे दा पूरा पूरा हक्का दा मेरा पैगंबर करदा। कदी खुद कल्ले ही चले जांदे ते कदी नाल अबू बकर ते उमर नूं भी अपने नाल लैके बीमार पुरसी वास्ते चले जांदे। ये मेरे पैगंबर दा अमल है। फरमाया बीमार दी इयादत करना, उहदी बीमार पुरसी करना, अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया इयादत भी है ते रब दी इबादत भी, ये इयादत भी है रब दी इबादत भी है। इस वास्ते तो रिश्ता मुहब्बत दा कायम हो जाएगा, नफरत खत्म हो जाएगी, मुहब्बत ते प्यार पैदा हो जाएगा और कामिल मोमन होण दी निशानी। इस वास्ते मुआशरे दी इसलाह दे वास्ते मेरे पैगंबर ने यह मसाइल बयान फरमाए। हुण रावी बयान करदा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी दी हदीस है फरमाया कि तीन चीजा का हुक्म मेरे पैगंबर ने फरमाया। केड़ियां तीन चीजा? अतमुल जाया, अदोर फरमांदे ने मेरे उम्मतियो कलमा पढ़ने वाले हो जेड़े भुखे ने उन्होंने खाना खिलाया करो। ये अमल मेरे नबी ने बतलाया, भुखिया खाना खिलाना बड़ा वड्डा अमल है। मैं तफसीर पढ़ रहा सा, तफसीर दी अंदर मैनु ये बात मिली है कि नबी पाक दे दमाद फातिमा ज़हरा दे शौहर सैयदना हजरत अलील मुर्तदा रजी अल्लाह तआला अनहो मेहनत मजदूरी करके ना मुआवजा लेके घर विच आए ने ते हाले खर्च नहीं किया, घर विच आए ने ते सैल दरवाजे ते आ गए। आन के आंदा है खुदा वास्ते मैनु कुछ दियो, ते थोड़ी जी मजदूरी सी हजरत अली ने ओही मजदूरी उठा के ना फातिमा तो जहरा उन्होंने ते ओ सैल नु दे दित्ती। आप जड़ा फाके दे नाल बसर कीता, मैं क्या वाह रब्बा, ऐसे लोग कम दुनिया दी अंदर मिलते रहे कि जेड़े आप तो भुखे रह रहे दूसरियां नूं खाना खिला दे। दूसरे दिन फेरे हुई अमल, मेहनत मजदूरी करके घर आए, सैल दरवाजे ते आ,
खुदा वास्ते दे दियो। अली ते फातमा दे दरवाजे तो सहल खाली वापस नहीं गया, ओनू खुदा वास्ते दे दिता। दूसरे दिन ये अमल, तीसरा दिन आया फिर सैल दरवाजे ते, तीन दिन ये अमल हजरत अली अल मुर्तदा को होया। ये उधरो अमल अली ते फातमा ने किया, अल्लाह ने अरशा तो जबरील भेज के मेरे मुहम्मद नू आगा कर दिता, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं बड़ा ही राजी हाँ अली दे ते फातिमा ते, अरशा तो जबरील कुरान दी आयत लेके आ गया। वाह रब्बा, कैसे खुश नसीब लोग रहे जिन्हां दे वास्ते तेरा कुरान उतरे है। मेरे महबूबा, वा युतइमून अत्ताम अला हुब्बे मिसकीनम व यतीमम व असीरा इन्ना नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुकूरा। असला गल कुरान ने दसी है केड़ी, के अल्लाह दी रजा वास्ते अली ने एक कम कीता है कि मेरा रब राजी हो जाए, भुखे नू खाना खिला। और हजूर फरमांदे ने मेरे उम्मतियो अतइमुल जाया, ते भुखिया नू खाना खिलाया करो। जब तुसी किसे मुसलमान भाई नू खाना खिलाओगे, अरशा वाला रब तुहाडे ते राजी हो जाएगा। अमल करिया करो। किसने बतलाया? मुहम्मद रसूल। हाय, इस वास्ते मौलाना कह गए ने, आंदे ने भुखियां रोटी ओते सियां नू पानी खिलाना पिलाना। मुहम्मद ने दसिया भुखियां रोटी ते सियां नू पानी खिलाना पिलाना। मुहम्मद ने दसिया ओ कलमे शहादत नो सोले ते चढ़ के ओ पढ़ना पढ़ाना। मुहम्मद ने दसिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मैं किताब पढ़ी, मौलाना पंजाबी विच इस आयत दा तर्जमा कर रहे ने, जेड़ी हजरत अली ते फातिमा दी शान विच आई। इल्लमा नुतइबकुम लिवजहिल्लाह, ये अमल अल्लाह दी रजा वास्ते कीता, रियाकारी वास्ते नहीं। इल्लमा नुतइबकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुकूरा। अल्लाह दी रज़ा वास्ते अहले बैत ने ए अमल कीता है, अली ते फातिमा ने, ताकि साडा रब साडे ते राजी हो जाए। इस वास्ते मौलाना आंदे ने, आंदे ने कहां है वो मुसलमा। अदबी कलमा गो ने, पर ओ गल इन्हां विच ओ तड़प ते सोज नहीं, ओ असर ते ओ तासीर नहीं जेड़ा मुआशरा मुहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया सी। कहां है वो मुसलमा ओ पिछले जमाने वाले, कै गर्दने कै सो किस रा के जो काने वाले। मेरे पैगंबर दे गुलाम रफका सहाबा, जदों दुश्मना ने सताया मके वालिया ने, ते हिजरत करके चले गए हबशे दे अंदर, हजरत जाबर तैयार भी खड़े ने, ईसाई बहुत बड़ा बादशाह दे सामने खड़े ने, गर्दना चुका के नहीं खड़े, गर्दना उठा के खड़े ने। ते हजरत जाफर तैयार नू अमीर बनाया, अखा विच अखा पा के उसे ईसाई बादशाह दे सामने खड़े ने। रब दी कसम है, जद मुहम्मद दे गुलामा ने अखा विच अखा पाया, बादशाहां दी अखा चुक गईयां, नजरां चुक गईयां, मुहम्मद दे गुलाम उसे तरह बारोब खड़े रहे। सुभान अल्लाह। ए नहीं कि कपड़े जेड़े ने बेहतरीन लिबास से, कपड़े फटे हुए गरीब किस्म के मुहाजर लोग ने, वतनों में वतन हुए परदेसी लोग खड़े ने।
हाय परदेसियां दा हाल वेख लो। एक पंजाबी वाले ने नक्शा खिंच दिता, आंदा है परदेसी जेड़े है ना इन्हां दी हालत कैसी होंदी है कि इन्हां दे परदेस ते सफर विच रहम आउंदा है। लिखा किस्मत में, लिखा परदेस किस्मत में, ओ वतन को याद क्या करना। लिखा परदेस किस्मत में, ओ वतन को याद क्या करना। जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। इस वास्ते परदेसी लोग ने पर ईसाई बादशाह के सामने खड़े हुए, अखा विच अखा पा के ईसाई बादशाह पुछदा कौन जे। आंदे असी मुहम्मद दे गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मुहम्मद जिसने नबूवत दा दावा कीता? क्या हां जिन्हें नबूवत दा दावा कीता है ओदे ते कोई किताब उतरी है? आख्या हां किताब उतरी है। आख्या उस किताब नू तप्पड़ के सुनाओ केड़ी किताब? मुहम्मद आई। ईसाई बादशाह ते हजरत जाफर दे कपड़े फटे हुए ते ओदे दरबार विच खड़े होके जाफर तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फैसलाबाद वालियो कुरान ने ओदे दरबार विच भी गूंज पा दिती। हजरत जाफर तैयार ने उस किताब नो पढ़िया जिहड़ी किताब आसमाना वाला ने अपने पैगंबर मुहम्मद मुस्तफा ते नादर फरमाई। अल्लाह दे नाम दे नाल पढ़िया, इसमें रब दी चाबी ला दिते। आंदे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़कुर फिल किताब मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया फत्तखदत मिन दूनिहिम हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सबीया। हजरत जाफर तैयार मुहम्मद मुस्तफा दा गुलाम खादम कुरान पढ़दा जांदा है ते जदों नजर उठा के वेखिया ते ईसाई बादशाह कुरान सुन के दारो कितार रोही जांदा है। आंदा जिन्ना कुरान ने ईसा दा शान बयान कीता है या मरियम दी शान दा तस्करा कीता है साडियां किताबां इन्ना शान बयान कर सकदियां ही नहीं। सारो किताब रोंदा रिहा इहो जे मुसलमान कित्थों आ जा मिलन। मौलाना ने तां ही आखिया है आंदे कहां है वो मुसलमान ओ पिछले जमाने वाले गर्दने कैसो किस राह के झुकाने वाले। ओ खुद रहते थे भूखे औरों को खिला देते थे। तवज्जो कर बड़ा अमली। खुद रहते थे भूखे औरों को खिला देते थे। ओ यारे कितने साबिर थे मुहम्मद के गुजराने वाले। खुद रहते थे भूखे औरों को खिला देते थे। ओ यारे कितने साबिर थे मुहम्मद के घरवाने वाले। कुरान ने मजीद ने नक्शा खींच दिता, फरमाया कयामत दा दिन होएगा ते जन्नत ही जन्नत विच चले जाणगे, दोज़ख ही दोज़ख विच चले जाणगे। आरज़ू करनगे रब्बा साडी मुलाकात तो करा उन्हां लोगां दे नाल। दुनिया ते कट्ठे जिंदगी बसर कीती लेकिन अज विछड़ गए हां, फासले पैदा हो गए ने, जरा मुलाकात करा। मेरा सोहणा रब उन्हां नूं आमणे सामणे कर देवेगा।
अनिल मुजरिमी नमा सलककुम फी सकर। कयामत वाले दिन मुजरमान नु जन्नतियां दे सामने कर दिता जाएगा ते उन्होंने सवार जन्नती करनगे। ओ बेलियो यारो रिश्तेदारो दुनिया के कठे सा, कंध नाल कंध सी, मकान नाल मकान सी, दीवार नाल दीवार सी, ते रिश्ते बड़े मजबूत सन। अज जुदाइया क्यों पै गई, फासले पैदा क्यों हो गए, वधा किए, तुसी जहन्नम विच चले गए। ते रो के कहेंगे قالوا لم نك من المصلين। हाय अफसोस, असि दुनिया ते नमाज़ा नहीं सा पढ़ते, कदी रब नू सजदा नहीं सी कीता, साडी कंड कदी रब दे सामने चुकी नहीं, असि बेनमाज़ सा, ते इस जुर्म ने सानू अज दोदख विच लै आंदा है। ते रो के कहेंगे वाला मुना को नोतरे मुल मिस्कीन। हाय मस्कीन, दुनिया ते असी कदी खाना नहीं सिखलाया, कोई भुखा प्यासा साडे दरवाजे ते आ जांदा, आन के सवाल करदा अल्लाह वास्ते रोटी दे दियो, अल्लाह वास्ते खाना दे दियो, असी तके मार के ओनू कढ दिंदे सा, एदी कदर ना कीती। अज पता लगा खाना खिलाना कितनी बड़ी इबादत है। रो के कहेंगे वलम ना कोनो ते मुल मिस्कीन, वकुन्ना नहुदो माल खाइजीन। ते जेड़ा सानू समझाउंदा सी ना, मसला दसदा सी, भाई ना इंज ना कर, अल्लाह वास्ते खाना खिला दे, ये बड़ा अमल है, अल्लाह राजी हो जाएगा। ते असी ओदे नाल बरसा शुरू कर देंदे सा, ओदे नाल असी मुनावरा शुरू कर देंदे सा, ओदी गल नहीं सा मंदे, ते अज असी दोदक विच इहो जुर्म सानू लै आए ने। मौलाना फरमांदे ने हजारां साल बीत जाणगे ते रोंदिया करलांदिया रबाद सानू खाना खिला, भुख लगी है दोदक विच। कुरान बयान करता है कई साल बाद अल्लाह पाक उन्हां दोदकिया नू कंडिया वाला तोहर दा खाना देंगे, तेनू अज भुख लगी हुई है, रोंदा करलावेगा ते कई साल बाद उन्हूं कंडिया वाला खाना दिता जाएगा। जदों खाना दोदख विच खाएगा ते गले दी अंदर अटक जाएगा कंडे होणगे, फिर आखेगा अल्लाह मैनू पानी दे दे ताकि खाना अंदर गुजर जाए। कई साल रोंदा रहेगा, इसे अदाब दा शिकार रहेगा। अल्लाह पाक की करनगे, कई साल बाद ओनू पीण वास्ते लहू ते पीप जहन्नम दी गर्म कीती होई देणगे। हजार बार पी लै ते जदों पीएगा ओदिया अंतड़िया पखाने दे राह बार आ जाएगियां, फिर सही सालम हो जाएगा। इस आदाब दा ओ इंतजार ही करता रहेगा, इस आदाब नू बर्दाश्त ही करता रहेगा। मेरे रब ने नक्शा कुरान विच खिंच दिता है, हाफिज मुहम्मद लखों की वाले अल्लाह की कब्र मुनव्वर फरमा, तफसीर मुहम्मद लिखी पंजाबी दे अंदर, उन्हें लिखिया कयामत वाले जहन्नमिया दे हालात वेख लो, आंदे ने गली जंजीर जहन्नम वाले, बेड़ियां पाईया होईया ने, तौक पहने होए ने, सदरिया गला विच डालिया होईया, कैदी बड़े होए जकड़े होए ने जहन्नमी लोग। ओ गली जंजीर जहन्नम वाले, विच हथ कड़ियां, गली संजीर जहन्नम वाले विच हथ कड़ियां, ओ किस गलो तुसी दोदक पहुंचे, ओ पैरे बेड़ियां जड़ियां, ओ केड़ा कसूर करके आए हो, तुहानू अज मुजरम बना दिता गया, बेड़ियां लगियां होईयां ते हथ कड़ियां लगियां होईयां, संगल पाए होए, जंजीर पाया होईयां, ओ केड़े संगल, हाय रब्बा तेरे को
قرآن نے نقشہ کھچ دیتا ہے. دعا اے فرماؤ اللہ اس عذاب تو جہنم والے دن ہر مسلمان محفوظ فرما. فرمایا جن دی پکڑ آ گئی نا دن قیامت دے کھبے ہاتھ وچ عمل نامہ تے اللہ فرشتیاں نو حکم دے گا میرے فرشتیو او میری پولیس یا اللہ کی حکم ہے. آواز آئے گی خذوہ فغلو انہاں نو پکڑ لو تے انہاں نو توق پہنا دیو. اللہ حکم دے گا اپنی پولیس نو. ایتھے تو رشوت حاجت روا بن جائے, ایتھے تو پیسہ وڈی مشکل کشا بن جائے, پر رب دے دربار وچ نہ اولاد کم آئے گی نہ بندے کم آن گے تے نہ اے پیسہ ہی کم آئے گا. اوتے کسے دی سفارے سے چلنی. ہائے قرآن یوم لا ينفع مال ولا بنون. او آدم دیو پترو دن قیامت دن نہ تواڈے پتر کم آون تے نہ تواڈا مال ہی کم آئے. کوئی چیز تانو فائدہ نہیں دے گی قیامت والے دن. اللہ فرمان گے نہ مجرمانو پکڑ لو خذوہ فغلو. اے مشرف دا حکم نہیں ستا آسمانا والے خدا دا حکم ہوئے گا. خذوہ فغلو اے بڑے بڑے مجرم پکڑے جان گے جنہاں نو اج کوئی ہاتھ نہیں پا سکدا. پولیس اس دی فوج اس دی جرنل اس دی عدالت اس دیاں اقتدار دی کرسی تے بیٹھا ہے. چار چوفیرے ریفلا چار چوفیرے پہرے دار کھڑے رے کوئی بندہ نقصان نہ پہنچا جائے. اپنی من مانیا دنیا تے کیتیا اپنی مرضی نال حکم چلائے قدم قدم تے رب دی نافرمانی تے او دی بغاوت کیتی. اج رب دے دربار وچ بڑے بڑے مجرم تے صاحب اقتدار کھڑے رے. فرعون بھی کھڑا ہے, حمان بھی کھڑا ہے, قارون بھی کھڑا ہے, شداد بھی کھڑا ہے, امیہ بھی کھڑا ہے, بڑے بڑے لوگ رب دی عدالت وچ کھڑے نے. اللہ اپنی پولیس نو حکم دےوے گا خذو فغلو انہاں نو پکڑ لو توک پہنا دیو. اللہ سونیا کہو جے زنجیر پائیے کہو جے توک پائیے. اللہ فرما دے رہے سم الجحیم سلو سم فی سلسلت نظرو سب نظر فصل کو ستر ستر ہاتھ لمبی زنجیر پا کے انہاں نو پکڑ کے تے جہنم وچ سڑ دے. جدو زنجیراں پہ جان گئیاں تے بیڑیاں پہ جان گئیاں جکڑے ہوئے مجرم تے رون لگ پین گے تے او دو رو کے کہیں گے کہ ما اغنا انی مالیا حلق انی سلطانیا. ہائے ساڈے مال نے ساڈی کوئی کفایت نہیں کیتی, ساڈا مال ساڈے کم نہیں آیا. جڑے امریکہ کولو ڈالر لیندے رہیا او ڈالر اج ساڈے کم نہیں آئے. جڑے ڈالر لے کے تے مسلمان دے خون نو بہاوندے رہے مجاہدین نو ذبح کردے رہے او ڈالر بھی اج قیامت والے دن کم نہیں آئے. تے رو کے آکھے گا ما اغنا انی مالیا حلق انی سلطانیا. ہائے میرا اقتدار کتھے چلا گیا, میری سلطنت کتھے چلی گئی, دنیا تے میری حکومت سے چار چوفیرے ریفلا چار چوفیرے پہرے دار عدالت میریاں فوج میری پولیس میرے گورنر میرے وزرائے آلہ میرے جو کچھ میں اندازہ ہندہ سی اج میں نو ہتھ کڑیاں پہنا دیتیا گئیا. ستر ستر ہتھ لمبی زنجیر پا کے جہنم وچ سڑ دیتا گیا. اس دن دا فکر کرو. مولانا نے عجیب گل لکھی آندے نے گلی زنجیر جہنم والے وچ ہتھ کڑیاں
उस गले जंजीर जहन्नम वाले विच हथ कड़िया ओ किस गलो तुसी दोदक पहुंचे ओ पैरे बेड़िया जड़िया होने रोक किया निरे अगो कैसन दोदख वाले और रो रो कर कर जारी जो असा नमाजा मोल न पढ़िया जले तदे खवारी भाई असी नमाजा नहीं सी दुनिया ते पढ़िया रब नू कदी सजदा नहीं सी कीता ते गरीब नू कदी खाना नहीं सी खिला जगा दे पीरो मुर्शद ने फरमाया ए अमल करो भुखिया नू की करो खाना खिलाया करो भुखिया नू खाना खिलाया करो मिशकात हदीस मैं पढ़िए मेरे रब्बुल आलमीन ने फरमाया किन्ने रब्बुल आलमीन ने परवरदगार ने फरमाया अदोर फरमा दे ना कयामत ते होएगा ते आदम दी सारी औलाद रब दे सामने पेश होएगी ओ नक्शा कयामत दा सामने जदों आएगा ना ते एक एक बंदा रब दे दरबार विच अल्लाह उस बंदे नू दिन कयामत दे पुछेगा ओ फलां बंदिया मैं भुखा सा तू मैनू खाना नहीं खिलाया मैं प्यासा सा तू मैनू पानी नहीं पलाया ते बंदा आखेगा ए रब्बुल आलमीन तू तो खाने तो भी बेनिया दे तू पीन तो भी बेनिया दे ए तेरिया सिफतें ही कोई नहीं ना तू खाना खाना है ते ना तू पानी पीना अल्लाह फरमाएगा ओ आदम दिया पुत्रा मेरा फला बंदा भुखा से तू ओनू खाना नहीं खिलाया मेरा फला बंदा प्यासा से तू ओनू पानी नहीं पलाया अगर पानी पला दिंदा अगर खाना खिला दिंदा अल्लाह फरमा दे रे मैं तेरे ते राजी हो जांदा मौलाना रूम ने ता ही लिखी है ये प्यार है ना मेरे रब नू अपने बंदे नाल आख्या तू मैनू खाना नहीं खिलाया जे बंदे नू ओदे बंदे नू खाना नहीं खिलाया ते रब आंदा मैनू खाना नहीं खिलाया ओदे बंदे नू पानी नहीं पिलाया प्यासे नू ते रब आंदा तू मैनू पानी नहीं पिलाया मौलाना रूम मंदने मन तो शुदम तो मन शुदी मैं तू हो गया तो मैं हो गया ये मोहब्बत की आखिरी मंजिल इश्क की आखिरी मंजिल की मन तो शुद्धम तो मन शुद्धे ओ महबूबा मोहब्बा दा महबूबा मैं तू हो गया ते तू मैं हो गया की मतलब ए कुरान मेरे को मौजूद है मैं कुरान की कसौटी से भी परखना हर बंदे की बात नो मेरा नबी जेड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के वाले ने सताया ना ते रब दे हुक्म नाल कैंकरिया हाथ में ले लिया मिट्टी ले ली कैंकरिया लेके मेरे नबी ने रब दे हुक्म नाल इस तरह फेंकिया महबूबा कैंकरिया फेंकना तेरा काम है इन्हां नू अन्या कर देना मेरा काम है हाथ नबी दा मुठी नबी दी कैंकरिया नबी फेंके नबीना मेरा रब कर देवे कुरान में पढ़िया रब्बा तेनु अपने महबूब नाल इन्ना प्यारे की वमा रमईता इधर रमईता वला किन अल्लाह रमा ओ मेरिया महबूबा इन्ना नु कैंकरियां तू नहीं मारियां मैं मारियां ने ये प्यार दी गल है ना तू नहीं मारियां मैं मुहब्बत महबूब दा रिश्ता इन्ना मजबूत रिश्ता रब दी सौ मेरे रब ने कुरान विच ऐलान फरमा दिता ओ मेरे पैगंबर दी उम्मतियो कयामत कौन वाले हो कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु ग़फूरुर रहीम
मेरे पैगंबर अपने उम्मतियां नूं फरमा दियो, अगर तुसी अपने रब नाल प्यार करना चाहते हो, अपने परवरदिगार दे नाल मुहब्बत करना चाहते हो, तो फिर इंज करो मेरे पैगंबर मुहम्मद रसूल्ला दी फरमा बरदारी कर लो। जदों इत्तेबा करोगे, फरमा बरदारी करोगे, मेरे नबी दे नक्शे कदम ते चलोगे, अल्लाह फरमा देने मैं तुहाडे नाल प्यार कर लवांगा। ओ वयागफिर लकुम ज़ुनूबकुम, ते तुहाडे गुनाह भी मैं मुआफ कर देवांगा। क्यों? अल्लाहु गफूरुर रहीम। हदीस मुहम्मद रसूल्ला दी बड़ी। एक फाशा औरत, मैं नहीं कह रहा, मेरे पैगंबर मुहम्मद रसूल्ला ने फरमाया, रब दी सोवा जो मेरा दिल करता है आमिना दे लाल दिया हदीसा सुनावा। ए औरत फाशा है, बदकार औरत है, कंजरी औरत है, बेहया औरत है, ये चलती आ रही है, ये बड़ी गुनागार औरत है। ते जदो आई ना, ते अल्लाह दी मखलूक एक कुत्ता प्यासा मर रहा है, जबान बार लटकी हुई, इन्हों तरस आ गया फाशा औरत नू, अपनी जुत्ती उतार के ना ते पानी लैके जुत्ती विच उहदे मूंह विच पा दित्ता। पानी पाया, कुत्ते दी जान बच गई। वेख लो, पानी पाया कुत्ते दी जान। मैं आख्या रब्बा तेरे कुरान तो कुर्बान जावा। वजअलना मिनल माए कुल शयइन हय, हर जानदार चीज नूं असी पानी दे नाल जिंदगी बख्शीए। पानी नाल ये हुण बच गया है। उहदी अदा है रब नूं बड़ी पसंद आई। गुनाहगार औरत दी इन्नी अदा पसंद आई कि अल्लाह पाक ने उहदे सारे गुनाह दुआ फरमा दित्ते। करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर। ये तो फिर भी जानवर है, कुत्ता है, इंसान नु पानी पिलाना बड़ा सवाब है, हाय खाना खिलाना बड़ा सवाब है। हुन आदोर फरमांदे ने दूसरा हुक्म है, वायादतिल मरीद। जदो मुसलमान बड़ा बीमार हो जाए, भावें तेरा पड़ोसी होवे, रिश्तेदार होवे, गली दा बंदा होवे, महल्लेदार होवे, अगर वो बीमार हो जाए ते ओदी बीमार पुरसी करो, ओदी इयादत करो। हदीस में पैगंबर मुस्तफा दी पड़ी, हजरत जाबर बीमार हो गए रजी अल्लाह तआला अनहो। बुखारी दी हदीस, मेरा पैगंबर अपने घरों निकल के, कसरे रसाल चो निकल के, पैदल चल के अबू बकर नाले, उमर नाले, ते हजरत जाबर दे घर विच जाके बीमार कुर्सी कर दे रहे। नबी दी सुन्नत, पीर होवे ते अपने मुरीद दी इबादत करे, उस्ताद होवे अपने शगिर्द दी बीमार पुरसी करे, बड़ा होवे ते छोटे दी बीमार पुरसी करे। ए सुन्नत मुहम्मद रसूलुल्लाह दी। रब दी सौं जेदी बीमार पुरसी करने वास्ते मेरा मुहम्मद ओदे घर चला गया, मेरा यकीन है वेंदिया नाल ही बीमारी दूर हो गई। वेंदिया नाल ही बीमारी हाय जंगे ओहदाई। थोड़ी जी गल सुना दिया ते अफवाह फैल गई, मुहम्मद नु शहीद कर दिता गया। एक बुढ़ी अम्मा ए चली है इस तरह सोटा पकड़ के, ते दौड़ दे जा रही है अपने ताकत दे मुताबिक, ते जांदी जांदी एक बंदा मिलिया, उन्हें आंदी है वे खुदा दिया बंदिया मैनू दस मेरे मुहम्मद का की हाल है। आंदा मैनू नहीं पता, मैनू तो एक खबर मिली है तेरा खाम शहीद हो गया। अगे बढ़ दिए ते फिर एक बंदा मिलता है, ओनू आ दियो वीरा दस मेरे महबूब मुहम्मद रसूलुल्लाह दा की हाल है। सच्ची आशका मेरे पैगंबर दी, सच्ची मुहिब मेरे पैगंबर दी। ते ओ आंदा मैनू हजूर दे बारे विच इलम कोई नहीं, इन्नी खबर पहुंची है तेरा भाई शहीद हो गया। फिर अगे बढ़ दिए, फिर पुछ दिए ओ लोगो दसो मेरे मुहम्मद दा हाल की है। ते अगे ओ खबर
मिली है तेरा पुत्र शहीद हो गया। खबर शहादत दी पौंदी चली गई ते अगे बढ़दी चली गई। रब दे सौ औरत होवे औरत होके इस्तकलाल ते इस्तकामत दा पहाड़ बन गई। मेरे नबी नाल इन्ना प्यार है अगे जांदी है ते लोग खड़े ने जाके पुछ दिए वो लोगो दसो मैनू ये खबर मिली है मुहम्मद शहीद हो गए ते मैं बेचैन हो गई। मेरा दिल तो घर विच लगदा ही नहीं मेरा दिल तो मोहल्ले विच लगदा ही नहीं मैनू उदासियां ही उदासियां नजर आउंदियां ने। ओ मैनू दसो मेरा महबूब किथे आ। ओ बंदा कहन लगा ओ बीबी ओ वेख इर्द गिर्द सारे सियाबा खड़े ने दरमियान विच मुहम्मद खड़ा है। आंदी है जदों मैं उत्थे पहुंची अल्लाह दी कसम कैसा समा होवेगा सोहणियां अखां होणगियां जिन्हां अखां ने रज रज के मेरे मुहम्मद नूं वेख्या। मेरे नबी दे सहाबा सतारे मालूम हुंदे सन ते मेरा नबी चौदहवीं दा चन्न मालूम हुंदा सी। खून बहरे आए दंद मुबारक शहीद हो चुके ने ते कोल जाके एक नजर मेरे महबूब दे चेहरे नूं वेखिया ते वेदिया नालिया दिए कुल्लो मुसीबत बादक जललो। ओ सोहणिया महबूबा तेनू वेदिया नाल ही मेरिया सारिया मुसीबत दूर हो गईया दुख दूर हो गए। ओ महबूब जिहड़ा इयादत बीमार पुरसी वास्ते जाए ते जेदी इयादत बीमार पुरसी मेरे मुहम्मद ने कीती ओदी बीमारी तो दूर हो गई। बुखारी दी रवायत जाबर बीमार सन ते गशी तारी हजरत जाबर ते हाए मेरे नबी दा गुलाम पीर खबर लैन वास्ते गए अपने गुलाम दी मुरीद दी। मेरे नबी ने जाबर दे कर वजू कीता तरीका देख लो वजू किया ते बावजू हो गए ते जेड़ा वजू दा पानी बचिया मेरे पैगंबर ने ओ पानी दे छटे जाबर दे जिस्म उते मारे ओदे चेहरे उते छटे मारे पानी वजू दा बचिया होया जाबर सहाबी दे चेहरे ते छटे मारे मुहम्मद रसूलुल्लाह ने पानी दे छटे मारे ते जाबर दी बेहोशी दूर हो गई। होश विच आ गए ते बह गए हजरत जाबर उठ गए रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो। ओ रब दी सौ मौजदा मेरे मुहम्मद दा अलैहि सलातु व सलाम आखो